ये बताइए कल मैम तो फास्ट रहेंगे, आप भी रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे कि सिर्फ कैमरे साथ नहीं रहेंगे? हाँ बहुत पहले से डिस्कशन हो रहा है। गोगो यही जवाब आ रहा है कि हस्बैंड नहीं रहते सिर्फ वाइफ रहती है, तो ऐसा क्यों? तो प्यार भाई वो भी करते हैं। लेकिन उन लोग पास इतनी हिम्मत नहीं है जितनी हम लोगों के पास। क्या बात है, फर्स्ट रहा नहीं वो अभी तक। नहीं रहेंगे इस बार? नहीं झूठ बोल रहे हैं, नहीं इस बार नहीं रहेंगे। हस्बैंड ही फर्स्ट रहते क्या आपके? हस्बैंड ही फर्स्ट रहते? नहीं वो दिल्ली में रहते हैं। नहीं वो दिल्ली में रहते हैं। नहीं वो दिल्ली में रहते हैं। नमस्कार, तो बोलती वन से मैं कल्पना वर्मा। फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्र और दशहरा बीत चुका है और अभी जो लेटेस्ट त्योहार आ रहा है वो है करवा चौथ का। जी हाँ, कल यानी 4 नवंबर को करवा चौथ का पर्व है जिसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रहती है ऐसा कहा जाता है। तो बाजार गुलजार है, चेहरों पे मुस्कान है, बहुत सारी चहल पहल है यहाँ पे और बहुत सारी औरतें भी है। चलिए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस त्योहार के लिए वो क्या क्या तैयारियां कर रही है और इस त्योहार को क्यों मनाते हैं उनके अंदाज में जानते हैं। आइए, क्या तैयारियां करनी पड़ती है कि बिना पानी पिए आप एक दिन रह लो, क्योंकि गर्मी भाई बहुत हो रही है। प्रिपेयर लाइक इट्स आर यू नो अंदर से होता है अपने वेल विशर फॉर आवर हस्बैंड एंड जो भी हम चाहते हैं तो हो जाता है मैनेज। आप बताइए किस तरह से कुछ स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है कि बिना पानी पिए रहा? नथिंग, यू जस्ट नीड टू हैव कुछ अच्छा सा रात में खा लो एंड देन पूरा दिन अच्छे से हो जाता है मैनेज। करवा चौथ का पर्व है और बिना साज सिंगार के अधूरा माना जाता है, तो ऐसे में हम हैं यहाँ पे जहाँ पे आंटी मेहंदी लगवा रही है, उनसे बात करते हैं। आंटी कितना, आप कब से करवा चौथ का फास्ट है रही? जब से शादी हुई है तब। कितने साल हो गए आपकी शादी? 13 ईयर्स। 13 साल, क्या बात है। और मतलब कहाँ से आई आप मेहंदी लगवाने? रायबरेली से। रायबरेली से? यस, मैं यहाँ अपनी कजिन के आई थी, वहीं से आई हूँ, अब यहाँ से लगवा के जाएंगे। तो आपके हस्बैंड भी आए? यस। अच्छा, वो भी फास्ट रहते हैं आपके साथ? नहीं इतना नहीं रहते, गलत बात। नहीं रहते आप? किस चीज की तैयारी चल रही है? करवा चौथ। करवा चौथ की, तो आज ही से प्रिपरेशन मेहंदी वेहंदी लगती है? हाँ मेहंदी तो आज ही लगवाऊंगी। कब से करवा चौथ का फास्ट रहेगा? कितने साल? 7 ईयर। 7 ईयर्स। क्यों मनाते हैं करवा चौथ? करवा चौथ हस्बैंड के लिए मनाते हैं, हस्बैंड की लाइफ के लिए। हस्बैंड भी रहते हैं फास्ट आपके लिए? आप अकेले रहते? नहीं हस्बैंड नहीं रहते। हस्बैंड नहीं रहते? क्यों नहीं रहते? गलत चीज़ है ना? वो नहीं रहते। अच्छा, तो ऐसा भी कहते हैं कि हस्बैंड मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, गिफ्ट अच्छे मिलते हैं। करवा चौथ की, सबसे पहले बताइए करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं? अब ये चला आ रहा है, प्रथा चली आ रही है कभी। हाँ तो सब लोग मनाते हैं तो इसलिए हम लोग भी मनाते हैं। आपके हस्बैंड भी रहते हैं आपके लिए फास्ट? नहीं हस्बैंड तो नहीं रहते, इतनी हिम्मत। तो ज्यादातर लोगों को यही जवाब आ रहा है कि हस्बैंड नहीं रहते सिर्फ वाइफ रहती है, तो ऐसा क्यों? वो प्यार भाई वो भी करते हैं? करते हैं, लेकिन उन लोग पास इतनी हिम्मत नहीं है जितनी हम लोगों के पास। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि क्यों मनाते हैं करवा चौथ? क्यों मनाते हैं? अरे करवा चौथ है अपने हस्बैंड के लिए है। हस्बैंड ही फास्ट रहते क्या आपके लिए? हस्बैंड ही फास्ट रहते? नहीं वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में तो फास्ट रहते हैं आपके लिए? दिल्ली में तो व्रत कैसे तोड़ेंगी आप? रहते व्रत कैसे तोड़ेंगी आप? रात में तोड़ेंगे पूजा करने। चलनी से देख के, तो ऐसा कैसे हो? चलनी वीडियो कॉल ऐसे ही देखते वीडियो कॉल। हाँ वीडियो कॉल। गिफ्ट वगैरह कैसे मिलेंगे आप? वो भेज देते हैं ऑनलाइन। कैसी चल रही है तैयारियाँ? बढ़िया। और कुछ शॉपिंग करी आपने? हाँ हो गई सब। हो गई जी। तो क्या क्या चीजें खरीदी आपने अभी तक? साड़ी खरीदी, चुंडी खरीदी। सारी चीजें शॉपिंग हो गई है, बस मेहंदी बचा है जो आज चल रही है। अच्छा तो ऐसा कहा जाता है कि आप निर्जला व्रत रहा जाता है, ऐसा है क्या? हाँ। इतनी पावर कहाँ से मिल जाती है कि बिना पानी पिए भाई साहब? मतलब इतनी धूप में सोचे हम लोग 4 बोतल पानी खत्म कर चुके हैं, फिर उसके 4 बोतल खत्म कर चुके हैं, तो कैसे इतनी पावर आती है? आ जाती है पता नहीं कैसे। कुछ स्पेशल तैयारियां होती है क्या पहले की? पहले दिन कुछ ऐसा कुछ खाया पिया जाते कि ऐसा होगी दूसरे दिन प्यास ना? एक दिन पहले से व्रत हो जाता है समझिए, हम लोग 2 घंटे से निकले हुए हैं, अभी 2 घंटे और लगेंगे। अच्छा ये बताइए कि कल आप फास्ट रहने वाली हैं? हाँ जी। सर आप भी फास्ट रहेंगे क्या? नहीं। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्यों फास्ट क्यों रहेंगे आप? रहेंगे रहेंगे। और मुझे गिफ्ट अभी मिल गया है। अच्छा गिफ्ट अभी मिल गया? हाँ। पहले आपने सारी शॉपिंग करा ली? हम्म। अगर कभी ऐसा हुआ कि गिफ्ट आपको ना मिला करवा चौथ? ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ है, वैसे मेरा दूसरा करवा चौथ है ये। और मेहंदी हम चाहेंगे जरूर दिखाइए कैमरे पे। नाम क्या आपका? ज्योति पांडे।
तो ब्यूटीफुल से हाथ और उस पे लगी मेहंदी और स्माइल भी है, बस वो मास्क में छुपी हुई है। तो आइए जानते हैं इनसे कि कितना क्रेज है कल करवा चौथ है मैम। हाँ क्रेज तो है काफी, बट आई थिंक कोविड की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है, बट बाजार में आके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बट आई थिंक अच्छा है, सो एक्साइटेड। हस्बैंड भी आपके? हाँ। किधर है? ये हस्बैंड वो, अरे सर बिल्कुल आइए 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 आइए। ये बताइए कल मैम तो फास्ट रहेंगे, आप भी रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे। कि सिर्फ कैमरे साथ में? नहीं नहीं रहेंगे। हाँ बहुत पहले से डिस्कशन हो रहा है ये। तो इस बार कौन सा होलर करवा चाहते हैं आपका, कितने साल हो गए शादी? शादी को तो 2-2.5 साल हो गए। हाँ बट अभी ये फर्स्ट है, क्योंकि इससे पहले नहीं रह पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीजन। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं था। अच्छा तो फाइनली आप भी फर्स्ट रहने वाले? एग्जैक्टली यार। गिफ्ट क्या सीन है, मतलब डिसाइड हो गया पहले से ही? हाँ बिल्कुल ऑब्वियस। मिल भी गया? क्या दिया सर, क्या दिया? मैंने ब्रेसलेट दिया एक। अच्छा कल मिलेगा। कोरोना भले ही पूरे देश में पैर पसार रहा हो, लेकिन अपने भारत में त्योहार मनाने का जो तरीका है ना, उसमें कोई भी चीज बच के नहीं जा सकती। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम हैं इंदिरा नगर की भूतनाथ मार्केट में। यहाँ पे बाजार गुलजार है और करवा चौथ का सीजन है, तो महिलाएं भी जम के खरीदारी कर रही है। तो क्या लगता है आपको इस बार का करवा चौथ आपके हिसाब से कैसा रहने वाला है? कोरोना की वजह से कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है, या फिर कोरोना के होते हुए भी हम सब त्योहारों को मिलकर एंजॉय कर रहे हैं? बताइए अभी कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।